पूरा पूरा वीडियो उठाना है, आपका अच्छा वीडियो बनाया। अरे भैया अरे भाई हो आप, जैसे एलओसी जाना है, खिलन मार्ग जाना है, शूटिंग वाला प्लेस जाना है, जहाँ बजट सामने जो पहाड़ है उसके पीछे है पाकिस्तान। इतना बढ़िया नजारा है, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया, कह नहीं सकते इसके बारे में, जन्नत है भाई, एकदम जन्नत। ये सर गुलमर्ग में चर्च है, ब्रिटिश टाइम का है, 120 साल पुराना। इसका जो नाम है गुलमर्ग, गुल बोलते हैं फूलों को, मर्ग बोलते हैं मैदान को, फूलों का मैदान। यहाँ नेचुरली फूल होते हैं, कोई उगाता नहीं है, कुछ नहीं है, हर रंग के फूल होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ। तो रास्ते में हमको काफ़ी सारी यहाँ पर मार्केट देखने को मिली, अभी काफ़ी रश है। हम लोग सुबह जल्दी निकलने वाले थे लेकिन थोड़ा लेट हो गए थे सर्दी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है और रात को यहाँ पर टेम्परेचर था -3 डिग्री, तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। तो अभी टाइम हुआ है सुबह 10:20 और हम लोग निकल रहे हैं गुलमर्ग के लिए। तो देखते हैं आगे जाकर रास्ते में क्या क्या मिलने वाला है, हमको दिखाएंगे सारी चीज़ें। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिए शुरू में ही, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम लोग श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ, और श्रीनगर से गुलमर्ग की जो दूरी है वो लगभग 50 से 55 किलोमीटर की है। और हमारे ड्राइवर साहब ने बताया कि अभी गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फ वहां पर हमको मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे और वहां पहुंचकर देखते हैं कि कैसे क्या नजारे हमें वहां पर मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी तक इस जगह को केवल सॉन्ग्स और मूवीज में देखा है और आज फाइनली हमको मौका मिलेगा उस जगह से रूबरू होने का। तो चलकर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसे हैं वहाँ के नजारे। आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर एक भाई साहब मिले जो कि एक बड़े से बर्तन में पीले चावल बांट रहे हैं, यहाँ का कुछ कल्चर होगा। तो हमारे ड्राइवर साहब जब वो चावल लेने गए तो पीछे हम भी चल दिए और थोड़े से चावल हमने भी चेस्ट किए जो कि वाकई में बहुत टेस्टी थे। ये घंटा घर आ गया सर, सामने वाला। ये घंटा घर है सामने, ये घंटा घर है सामने। चौक चौक सब ले लो, कट्ठा करके वीडियो बना लो पूरी, सीआरपी वाले की भी आ जाएगी गाड़ी पूरी। तो अभी हम हैं श्रीनगर टू बारामूला वाले हाईवे पर, और श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर बाद और बारामूला से लगभग 40 किलोमीटर पहले एक टर्न आता है लेफ्ट साइड में, जहां से रास्ता जाता है गुलमर्ग की तरफ। और अभी हम लोग उसी रास्ते पर मुड़ चुके हैं जो कि आगे जाकर हमें पहुंचाएगा गुलमर्ग। श्रीनगर से निकलने के बाद अभी हम पहुंचे हैं श्रीनगर से गुलमर्ग जाने वाले रास्ते पर, और यहाँ पर रास्ते में हम रुके थे थोड़ा नाश्ता करने के लिए। यहाँ पीछे एक ढाबा है, हमारे जो ड्राइवर भैया हैं उन्होंने बताया था कि यहाँ पर अच्छा खासा नाश्ता मिल जाता है और अच्छी रेट में मिल जाता है ठीक ठाक। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे, यहाँ पर थोड़ा नाश्ता करेंगे और उसके बाद निकलेंगे हम लोग गुलमर्ग के लिए। ये है न्यू वैष्णो ढाबा जहाँ पर हम लोग नाश्ता करने वाले हैं, और ये है श्रीनगर टू गुलमर्ग जाने वाले रोड पर। तो चलकर देखते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ के फूड का और क्या उसकी रेट है। तो ये आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट आज का, इसमें है आलू और छोले की सब्जी, थोड़ा सा अचार, और ये है आलू का पराठा। तो टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसा है इसका स्वाद। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं आगे गुलमर्ग की तरफ।
अभी यहाँ पर रुके हैं हम लोग, जो ड्रेस है वो पहननी पड़ेगी हम लोगों को, उसके बाद ही हम लोगों को आगे एंट्री मिलेगी। तो हम लोग देख कर आते हैं क्या उसका रेंट है। यहाँ पर ड्रेस मिलेगी और शूज़ मिलेंगे ऊपर बर्फ में जाने के लिए, तो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अभी पता करते हैं क्या उसका चार्ज है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सारा रश है यहाँ पर और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, चारों तरफ काफ़ी गाड़ियाँ हैं। और यहाँ से आगे ऊपर बर्फबारी है, ऊपर आप देख रहे हैं चारों तरफ, वहाँ हम लोग जाने वाले हैं अभी। वहाँ पे पॉइंट्स वगैरह हैं, पाँच छः प्लेसेस, वहाँ पे आप पे डिपेंड है, आप सब पॉइंट करना चाहोगे तो आपका डिपेंड है, जिसका आपका बजट है। आपका बजट होगा 1000 रुपये का तो 1000 ही, अगर आपका बजट कुछ भी नहीं है वो आप पे डिपेंड। ये प्लेसेस वहाँ से आगे घूमने के, जहाँ पार्किंग में रुकेगा ना गाड़ी वहाँ से आगे, यहाँ से गाड़ी अभी गाड़ी हमारी ले जाएगी। आज गाड़ी आप ही का जा रहा है, कल आता कल गाड़ी नहीं जा रहा था, कल यहाँ से दूसरा गाड़ी लेना था जिसका 10,000 रुपया खर्चा था जी। पूरा वीडियो उठा रहा हूँ, आपका अच्छा वीडियो बनाया। अरे भैया वैसे, अरे भाई हो आप हमारे, टाइम वेस्टिंग क्योंकि टाइम आपका किस, जैसे एलओसी जाना है, खिलन मार्ग जाना है, शूटिंग वाला प्लेस जाना है, जहाँ बजट पूरा 990 रुपये रेट है जी। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर ड्रेस लेने के लिए, जो कि हमको पहनना कंपलसरी है, क्योंकि ऊपर बर्फ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंडी रहती है इसलिए। मैं देखो पहन के इसको। आपका शूज साइज सर 7। तो हम लोगों ने अपना यूनिफॉर्म पहन लिया है सभी लोगों ने, जो मर्जी करो तुम, उधर इतनी ठंडी और इतनी बर्फ है ना, लेना कंपलसरी था। आप सोच रहे हो कि बर्फ कम है, कम नहीं है, अब बढ़ रहे हैं आगे पहाड़ी की तरफ जहाँ काफी ज्यादा बर्फ है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अभी। तो फिर देखते हैं वहाँ के नज़ारों को और दिखाते हैं आपको, बने रही वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग गुलमर्ग पहुँचने वाले हैं, और वहाँ पहुँचने से पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि कश्मीर को धरती की जन्नत कहा जाता है, और इस जन्नत को और भी हसीन बनाता है गुलमर्ग। गुलमर्ग जो कि बारामूला जिले में स्थित है, दरअसल गुलमर्ग एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, और इस स्थान को फूलों के प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और बॉलीवुड के लिए ये जगह हमेशा से खास रही है, जिसके चलते यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। बर्फ से ढकी चोटियाँ, देवदार के लंबे लंबे पेड़, खूबसूरत घास के मैदान अक्सर लोगों को आकर्षित करते हैं। कश्मीर से तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुलमर्ग में विश्व का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। इसके अलावा यहाँ देश के कई प्रमुख स्काई रिजॉर्ट भी हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गुलमर्ग हिल स्टेशन पर, और सामने आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत नजारा है। और यहां पर कटेगी हमारी गाड़ी की पर्ची, और गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद फिर हम पहुंचेंगे बर्फीले मैदान में। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गुलमर्ग की हसीन वादियों में, और यहाँ के नज़ारों की क्या बात कहें, मतलब अभी तक इस जगह को केवल
मूवीज में, सॉन्ग में और वीडियोस में देखा था, लेकिन आज खुद इस जगह से रूबरू होकर जो आनंद मिला है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मतलब यहाँ के एकदम दिल खुश हो गया। बहुत शानदार जगह भाई, बहुत शानदार जगह है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बहुत शानदार जगह है। पर यहाँ पर आने के बाद अभी हम लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने वाले हैं। मतलब जगह देख कितना खुश हो गए हैं कि बस क्या ही कहें जगह के बारे में। जन्नत है भाई, एकदम जन्नत। हमारे भाई बंधु सारे यहाँ पर बढ़िया बर्फ का आनंद ले रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। इधर देख मुंडे ले, भाई सीरियसली एक बात है, डल झील से ज़्यादा मज़े गुलमर्ग में है। बहुत शानदार जगह है, बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों यहाँ पर एक चर्च मौजूद है, इसके बारे में जानते हैं हमारे गाइड से जो हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। हाँ जी भैया, बताइए थोड़े से बारे में, क्या जगह है ये? ये सर गुलमर्ग में चर्च है, ब्रिटिश टाइम का है, 120 साल पुराना, बहुत फेमस जगह है। वो जो पेड़ आप सामने दिखाना, ये वाला, ये पेड़ है, इस पर वो शूटिंग हुई है दिल क्या करे पिक्चर, और जब तक है जान शाहरुख खान की, ओके, वो गाना है जिया जिया रे। अच्छा अच्छा जी जी, ये जगह बहुत फेमस है सर गुलमर्ग में, पूरा गुलमर्ग फेमस है, ऐसी बात नहीं है। गुलमर्ग में 3-4 जगह और हैं, स्ट्रॉबर वैली है यहाँ पर। अच्छा, महाराजा हरि सिंह का पैलेस है, बहुत खूबसूरत है सर। वो जब यहाँ आते थे तो रहते थे इस पैलेस में। 2018 में वो ओपन किया गया टूरिज्म के लिए। अभी तो सर उनका बेटा है डॉक्टर करण सिंह जो दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, वो आते हैं कभी कभार यहाँ रहने के लिए। जी सर, ये जो गुलमर्ग है सर, इसका विंटर का अलग लुक होता है क्योंकि बर्फ ही बर्फ हर जगह, और समर में जो अभी यहाँ पे बर्फ कम है और फूल होते हैं। अच्छा। इसका जो नाम है गुलमर्ग, गुल बोलते हैं फूलों को, मर्ग बोलते हैं मैदान को, फूलों का मैदान। यहाँ नेचुरली फूल होते हैं, कोई उगाता नहीं है, कुछ नहीं है, हर रंग के फूल होते हैं। जी सर, और ये सर बहुत बड़ा प्लेस है, ये तो अभी मेन जगह है। अगर आप इसमें घूमोगे पूरे गुलमर्ग में कम से कम 10-15 दिन चाहिए। यहाँ पर आगे एक बूटा वैली है 16 किलोमीटर आगे, बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा जी सर, ठीक है भैया, चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों सामने ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये है LOC, और इसी के पीछे है पाकिस्तान। और अगर आप इस पहाड़ तक जाते हैं तो वहां से आप पाकिस्तान के गाँव साफ देख सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत हिल स्टेशन गुलमर्ग को पहले गौरी मर्ग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान यूसुफ शाह चक ने इस खूबसूरत घाटी से प्रभावित होकर इसका नाम गुलमर्ग रख दिया। और गुलमर्ग का हिंदी अर्थ होता है फूलों का मैदान, गुल यानि फूल और मर्ग यानी मैदान। तो हमारे साथ जो गाइड हैं वो हमें इस गुलमर्ग के बारे में बताना चाहते हैं एक कविता के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। हाँ जी भैया, बसुआ इन पाड़ा माते गुलमर्ग का किनारा मा, के हाल थारो सजना उन हवा का नजारा मा, चन बैलो बैलो आये, चन बैलो बैलो आये रे, चन बैलो बैलो आये। ओके थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी कविता थी ये। जी, ये गुलमर्ग के बारे में एक शेर है। हाँ। कि मैं रहता हूँ इस गुलमर्ग में जी। ये बहुत अच्छा नजारा है, आप ही आ जाओ और अपने साथियों को बुलाओ। ये हमारी भाषा में एक शेर है, बहुत खूबसूरत शेर है सर, सुनाइए। बाकी आपने देख लिया सर गुलमर्ग कितनी अच्छी जगह है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है सर, अपने जो भी फ्रेंड वगैरह होंगे उनको सबको भेजना और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर इसमें सेव रखना। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कविता के माध्यम से गुलमर्ग के बारे में बताया।
ये हमारा स्नोमैन काफी मेहनत के बाद तैयार हो पाया है और हमारे साथियों ने भी यहाँ पर काफी मेहनत करके ये स्नोमैन बनाए हैं। ऐसी बहुत हजारों किस्म की जड़ी बूटी यहाँ मिलती हैं जिनके बारे में मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, जितना है मैंने बता दिया। तो इस वजह से कश्मीर फेमस है और कश्मीर में नीलम मिलता है। हमारे जो डोडा किश्तवाड़ साइड वहाँ पर नीलम का पत्थर होता है, उसके भाव भी सोने के हिसाब से उसकी रेट बिल्कुल और बहुत कीमती होता है। हाँ जी भैया बताएं। ये सर जो गुलमर्ग है इसका साइड सीन का राउंड ऑफ सर्कल 13 किलोमीटर है। यहाँ पर अगर आप लोग एटीवी ले लेते हो तो एक एटीवी का पर पर्सन 2500 रुपया है। एटीवी क्या मतलब? एटीवी कार वो फोर व्हीलर कार होती है, मैं आपको दिखाऊंगा उसका एक फोटो उठाना। अच्छा अच्छा। अगर आप टैक्सी से ले लेते हो तो पूरा साइड सीन जो है 2200 2200 रुपये जी सर। यहाँ पर सर 16 किलोमीटर आगे एक जगह है जिसका नाम बूटा वैली है, तो सर अगर आप उसमें टैक्सी ले लेते हो तो उसका है 3500 टैक्सी का, उसके अंदर आप 9-10 लोग तक बिठा सकते हो। ठीक है, अगर आप एटीवी लेना चाहते हो तो 5000 पर पर्सन है सर। एटीवी पे? एटीवी का इतना महंगा है? और सर हाँ सर एटीवी का सर महंगा है। और सर जो ये स्लेज गाड़ी है, अगर आप स्लेज गाड़ी में 6 पॉइंट देखना चाहते हो तो उसका सर 2000 है पर पर्सन। स्लेज गाड़ी में क्या है सर? स्लेज गाड़ी में सर वो लकड़ी की गाड़ी जो आपने देखा होगा, अच्छा अच्छा, बंदे को लेके खींचता है, अच्छा पुल करता है, 6 पॉइंट पूरा दिखाने का 2000 रुपया सर पर पर्सन है उसका। ओके। और सर हमारे यहाँ स्नो बाइक है वो फर्स्ट फेज पे चलती है जहाँ पर केबल कार लेके जाती है, उसका सर 2 किस्म का चार्ज है, शॉर्ट राइड 1000 और लॉन्ग राइड 2000। जो 2000 वाला राइड है सर उसमें आपको सेल्फ ड्राइव वगैरह सब कुछ मिलता है, ठीक ठाक। जो शॉर्ट राइड है उसमें सेल्फ ड्राइव नहीं मिलता है जी सर। बिल्कुल ये यहाँ की रेट लिस्ट है, तो बाकी ठीक है सर। यहाँ के जो रेट वगैरह है वो आपने बता दी सारी है ना? ये जो इसका एडवेंचर रहता है इसका रेट वगैरह सब, जो स्कीइंग है मेन एडवेंचर स्केटिंग, उसका सर सर 1200 रुपया स्की करने का, स्की करने का। और अगर आप टीचर लेना चाहते हो सर विद टीचर 1600 रुपया सर। अच्छा अच्छा जी सर, उसमें अनलिमिटेड टाइम रहता है सर, कभी भी चेक करो, आधा घंटा करो, जितना टाइम भी कर सकते हो पर पर्सन के हिसाब से सर 1600 रुपया विद टीचर। सही है सही है। ओके सर, चलिए थैंक यू। दोस्तों इसे बोलते हैं एटीवी कार। अगर आप यहां पर आते हैं तो इसकी राइड का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहां पर ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर यहां की जो भी जगह है घूमने के लिए उनके नाम और दूरी लिखी हुई है। तो दोस्तों सारे दिन बर्फ में मस्ती करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं वापस श्रीनगर की तरफ, और काफी मस्ती भरा रहा आज का दिन हमारा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने सारे दिन यहां पर। काफ़ी मस्ती भरा दिन रहा हमारा आज का, और काफ़ी ज़्यादा मौज की हम लोगों ने ऊपर बर्फ़ में, और अभी सूरज ढलने को है, शाम होने वाली है, सर्दी बढ़ गई है, तो हम लोग निकल रहे हैं वापस श्रीनगर की तरफ और रास्ते में जो भी होगा कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है एप्पल गार्डन, यहाँ पर सारे पेड़ जो आप देख रहे हैं सभी एप्पल के पेड़ हैं और इनमें एप्पल लगे भी हुए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर। तो दोस्तों गुलमर्ग की हसीन वादियों को घूमने के बाद आ चुके हैं वापस श्रीनगर में, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया आज सारे दिन बर्फबारी में, बढ़िया मस्ती की खूब, और काफ़ी थक भी चुके हैं तो बढ़ रहे हैं अपने होटल की तरफ और वहाँ जाकर आराम करते हैं, पहले कुछ खा भी लेंगे, उसके बाद रात को यहाँ की थोड़ी मार्केट घूमेंगे, उसके बाद फिर जाके सोएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।